सो हे गाइस, मेरा नाम है साकिब एंड यू आर वॉचिंग गेम हेवन 007। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं गेम्स की स्टोरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के गेमिंग टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लिटिल नाइटमेयर की स्टोरी को जानेंगे। अगर आपको ऐसे गेम्स पसंद है जिनका एनवायरनमेंट डार्क होता है और जिनकी स्टोरी को हमें ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, गेम की स्टोरी को समझने में हमें गेम को बहुत बार खेलना पड़ता है, तब जाकर हम इन गेम्स की स्टोरी को जान पाते हैं। लिटिल नाइटमेयर ऐसा ही एक गेम है जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन गेम की स्टोरी को समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। इस गेम का ग्राफिक और एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, गेम का गेम प्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आज की इस वीडियो में हम इसी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा और मैं सिर्फ बेसिक स्टोरी को ही एक्सप्लेन करूँगा, जो कि इस गेम की बेस स्टोरी है। और अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो ढूंढ रहे थे तो आप सही जगह पर आए हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही गेम्स रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी मत भूलना, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो विदाउट फर्दर लू प्लीज जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है द मॉ नाम की जगह से, जो ऊपर से देखने पर किसी आइलैंड जैसी दिखाई देती है जिसके ऊपर टावर है। लेकिन जब हम डीप जाते हैं, यानी जब हम समुंदर के अंदर जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और इनमें से ज़्यादा करके शेफ ही है और गेस्ट है। तो शेफ यहाँ पर हर बार खाना पका रहे होते हैं द गेस्ट के लिए। तो अब ये द गेस्ट कौन है? तो गेस्ट वो लोग है जो हर साल यहाँ पर आते हैं इस आइलैंड में रहने के लिए, और यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है। इतना ज़्यादा खिलाया जाता है कि उनका पेट भर जाता है, लेकिन ये लोग इतने भुक्कड़ है कि इनका पेट कभी भरता ही नहीं है, इन्हें और खाना चाहिए होता है। इस वजह से इनका शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है और ये बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके होते हैं। और ये लोग इतने ज़्यादा भुक्कड़ होते हैं कि ये बच्चों के मांस को खाने से भी कतराते नहीं है, और ये बच्चों के मांस को भी खा लेते हैं। आगे हमें पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर रखा हुआ है, और यहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है जब तक वो छोटे होते हैं। और एक बार जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शेफ आकर किसी एक बच्चे को अपने साथ ले जाता है और उस बच्चे को मारकर उसके शरीर से एक डिश को बनाता है और उस डिश को सर्व करता है खाने के रूप में उन गेस्ट को, और वो गेस्ट उंगलियां चाट चाट कर उन बच्चों के मांस को भी खा लेते हैं। अब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट से, जिसका नाम है सिक्स। तो सिक्स एक ऐसी छोटी बच्ची है जो इस मॉ नाम की जगह से निकलना चाहती है और किसी तरह अपने आप को बचाना चाहती है। आगे हमें पता लगता है कि ये सिक्स द लेडी की बेटी है, और द लेडी इंचार्ज है मॉ की, और द लेडी ही हर साल इन गेस्ट को बुलाती है, और इसके बाद द लेडी इन सभी गेस्ट को मार देती है, जिसके वजह से उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है जिससे वो पूरे मॉ को कंट्रोल करती है। अब आगे सिक्स बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करते हुए द मॉ के डीपेस्ट कॉर्नर से ऊपर की तरफ जा रही होती है, यानी वो द आइलैंड के छोर तक जाने की कोशिश कर रही होती है, और बहुत सारे लोकेशंस से यहाँ से वहाँ जाती है। इस जर्नी के बीच में उसे बहुत ज़्यादा खतरा होता है गेस्ट से, शेफ से, और बहुत सारे ऐसे क्रिएचर से जो सिक्स की जान ले सकते हैं, लेकिन सिक्स अपनी जान बचा कर पजल्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ती है। अब आगे हमें पता लगता है कि सिक्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि जब वो किसी भी कैरेक्टर को मार देती है, यानी गेम में अगर वो किसी भी कैरेक्टर को मारती है या उसे काटती है, तो सिक्स के पास उस कैरेक्टर की सारी पावर्स और एबिलिटीज आ जाती है, साथ साथ उसके पास उसकी मेमोरी भी आ जाती है। और अब हमें पता लगता है कि द लेडी इतनी भयंकर दिखती थी कि उसने सारे शीशों को तोड़ दिया और सारे आयनों को तोड़ दिया, और सिर्फ एक ही आयना बचा है। और अब आगे, क्योंकि सिक्स को अपर लेवल ऑफ मॉ में जाना होता है जहाँ पर मिरर रखा हुआ है, इस वजह से वो एक बच्चे को मार देती है और उसकी पावर्स और उसकी मेमोरीज को अपना बना लेती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि द मॉ में उस मिरर को कहाँ रखा हुआ है। इसके बाद सिक्स अपर लेवल ऑफ मॉ में जाती है और वहाँ से उस मिरर को अपने साथ ले आती है। अब सिक्स इस मिरर की मदद से अपने आप को बचाती है द लेडी से, क्योंकि द लेडी इस मिरर में देख नहीं सकती। इस वजह से इस मिरर का यूज़ कर सिक्स अपनी जान भी बचाती है, और इस मिरर के ही यूज़ से, और किसी तरह लेडी को गिराकर उसको काटकर उसकी पावर्स और एबिलिटीज़ को अपना बना लेती है। अब आगे सिक्स मॉ के टॉप में पहुँच जाती है, और वहाँ पे से वो आइलैंड के छोर पर पहुँच जाती है, जिसके बाद गेम ख़त्म होता है।
और अब गेम के एंड में क्या हुआ ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन इससे रिलेटेड भी दो थेरी है और एक थेरी के अकॉर्डिंग हमें एंड में एक शिप की आवाज़ सुनाई देती है, और इस थेरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सिक्स उस शिप में बैठकर किसी दूसरे सिटी में चले जाए। और दूसरी थेरी ये कहती है कि हो सकता है कि सिक्स अब इंचार्ज होंगी द मॉ की, और अब वो द मॉ को कंट्रोल करेंगी और वो द लेडी की जगह ले लेंगी, और वो हर साल गेस्ट को बुलाएंगी और उनको भरपेट खिलाएंगी और उनके सारे पावर सेलिब्रिटीज़ को अपना बना लेंगी। तो इसी के साथ गेम की स्टोरी एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही गेम्स रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कोई टॉपिक रिकमेंड करना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।